नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका पुनः स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, सबसे पहले आप सबसे एक अनुरोध है कि इस वीडियो को आप फुल स्क्रीन करके ही देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो मैं अपने मोबाइल के माध्यम से ही बनाता हूं ताकि सभी शिक्षक साथियों को बहुत ही आसानी से यह समझ आ सके। और आप सभी जानते हैं कि आप सभी जो है मोबाइल के माध्यम से ही बच्चों का नाम एंट्री करते हैं, तो मैं आपको इतना सरल तरीका बताऊंगा कि आपके मोबाइल में बहुत आसानी से एंट्री भी होगा। जी हाँ दोस्तों, कई शिक्षक साथी का समस्या रहता है कि उसके मोबाइल में ब्राउज़र जो है ठीक से ओपन नहीं होता या फिर नाम जो है पूरा दिखाई नहीं देता है, मतलब वो जो इंटरफेस है मेन जो मेन्यू है वो पूरा दिखाई नहीं देता, तो ये सभी समस्या दूर हो जाएगा। तो आज के वीडियो को आप पूरा देखिए, एक एक चीज़ को मैं बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जब क्रोम ब्राउज़र में या किसी ब्राउज़र में ओपन करते हैं तो उसको सबसे पहले आपको डेस्कटॉप मोड में कर लेना चाहिए। जैसे डेस्कटॉप मोड में कैसे करते हैं, डेस्कटॉप मोड में करने का फायदा ये होता है कि हमारा मोबाइल जो है एक कंप्यूटर के समान कार्य करने लगता है। तो यहाँ पर देखिए, नीचे में लिखा है डेस्कटॉप साइड, इसको आपको क्या कर देना है, राइट का निशान लगा देना है, मतलब आपको सिंपल सा इसको क्लिक कर देना है। ये मैंने क्लिक कर दिया तो देखा आपने, जैसे मैंने इसको डेस्कटॉप साइट में करा तो इसका जो मेन मेन्यू है बदल गया है ना। तो इस प्रकार अब ये एक लैपटॉप के समान मतलब हमको सुविधा देगा और बहुत ही आसानी से इस पर एंट्री होगा। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि हमने बच्चों का एंट्री किया है और यदि वो गलत एंट्री हो गया है या फिर किसी बच्चे का नाम दो बार एंट्री हो गया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि कई शिक्षक साथी इसी से परेशान हो जाते हैं कि नाम डबल हो गया या फिर किसी का नाम गलत लिखा गया, किसी का डेट ऑफ बर्थ लिखा गया गलत या फिर उसका कक्षा गलत एंट्री हो गया, तो इस परिस्थिति में हम क्या करें। तो दोस्तों, इस परिस्थिति में हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा नियम है, उसको आप एडिट कर सकते हैं। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार हम उसको पुनः एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए मैं आपको कुछ और प्रक्रिया बता देता हूं। आप जानते हैं कि जब तक आपको बच्चों का एंट्री करना है तो रोज आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा यह है कि जिस बार भी आपने ये होम पेज खोला है, जैसे मैंने देखो यहां पर होम पेज खोल रखा है, तो इसको मैं बार बार खोलूंगा तो मुझे बार बार क्रोम ब्राउजर में जाने की आवश्यकता ना पड़े। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस होम पेज को जैसे ही होम पेज आता है तो यहां पर चूंकि मैंने इसे क्रोम ब्राउजर से ही ओपन किया है तो मैं ऊपर में क्या करूंगा, जो तीन बिंदु दिखाई दे रहा है, ये जो तीन बिंदु दिखाई दे रहा है उसको मैं क्लिक करूंगा और ऊपर में देखिए एड टू होम स्क्रीन। हाँ, एक बात और याद रखिए, ये मैं अपने हर वीडियो में क्यों बताता हूँ, क्योंकि हर बार नए नए शिक्षक साथी इस वीडियो को देखते हैं और हो सकता है उसको ये प्रक्रिया ना पता हो, जिस कारण से वो रोज क्रोम ब्राउजर में टाइप करते होंगे या किसी लिंक को खोजते होंगे फिर क्लिक करके इस साइट पर पहुंचते होंगे। तो उससे अच्छा यह है कि आप क्या करिएगा, इसको एड टू होम स्क्रीन कर दीजिए। जैसे देखिए मैं करके बता रहा हूँ, जैसे मैंने इसको एड टू होम स्क्रीन किया, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट एंट्री लिखा है, अब यहाँ पर मैं एड को क्लिक करूंगा। ये देखिए, जैसे मैंने एड को क्लिक किया ना, ये मेरे मोबाइल में ना एक प्रकार के एप्लीकेशन के रूप में मौजूद रहेगा। देखिए मैं आपको ओपन करके बताता हूँ बाहर जाके। ये देखिए, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट एंट्री लिखा है, इसको जैसे मैं क्लिक करूंगा ना ये डायरेक्ट उसी पेज पर ले जाएगा। तो जब तक मैं इस साइट पर काम करूंगा तो तब तक तो मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं बार बार क्रोम ब्राउजर ओपन नहीं करता हूँ। लेकिन आप बार बार क्रोम ब्राउजर ओपन करते हैं तो आपको ये प्रक्रिया सीख लेना चाहिए, जिससे आप बहुत ही आसानी से इस साइट को क्या कर सकते हैं, आसानी से ओपन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम ये देखते हैं कि हम इसको लॉगिन कैसे करें। यदि कई शिक्षक साथी ये बोलते हैं कि हमने अभी तक लॉगिन नहीं किया है या फिर लॉगिन नहीं हो पा रहा है, तो आपको बता दूं, यदि आप एक शिक्षक हैं और आपका सीजी स्कूल पोर्टल से जो लॉगिन बना हुआ है ना, लॉगिन आईडी बना है, उसी के आईडी से आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। और याद रखिए, यदि आपने आईडी पासवर्ड भूल लिया है तो आपको आईडी पासवर्ड पहले सीजी स्कूल पोर्टल में चेंज करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको सीजी स्कूल पोर्टल में पहले आईडी पासवर्ड को चेंज कर लेना है, उसके बाद आपको इसमें क्या करना है, लॉगिन करना है, तो आप बहुत ही आसानी से लॉगिन कर पाएंगे। और हाँ, यदि आप प्राइवेट स्कूल के हों तो आपको फीस अधिनियम के समय जो भी आईडी पासवर्ड दिया गया था उसी आईडी पासवर्ड के आधार पर आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। बाकी प्रक्रिया जो है सभी एक ही रहेगा, क्योंकि उसमें नाम लिखना है और बाकी सब प्रक्रिया एक समान रहेगा। तो आइए अब देखते हैं कि हम किस प्रकार बच्चों का एंट्री हो गया है उसमें हम सुधार कर सकते हैं, या फिर कोई बच्चे का नाम अधिक जुड़ गया है तो उसको हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, यदि आपको शॉर्टकट बनाने नहीं आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो आइए मैं आपको पहले इसको क्रोम ब्राउजर से ओपन करके बता दूं, ये मेरा क्रोम ब्राउजर है, यहां से मैं ओपन कैसे करूंगा, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहां पर देखिए न्यू टैब में जाऊंगा और यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा शिक्षा। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, जैसे ही हम शिक्षा लिखते हैं तो हमारे पास इस प्रकार का नीचे में देखिए लिखा है शिक्षा डॉट सीजी डॉट एनआईसी डॉट इन स्लेस स्टूडेंट एंट्री ऑब्लिक, ये आ गया है तो आपको इसे ही आपको क्लिक कर देना है।
तो ये आपको मेन पेज पर ले जाएगा। देखिए मेन पेज पर, अभी देखिए मैंने इसको डेस्कटॉप साइट में नहीं किया है, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, डेस्कटॉप साइट में करना पड़ेगा, ये पहला काम हो गया। अब इसी पेज को मुझे क्या करना है, शॉर्टकट बनाना है, तो मैं इसमें जाऊंगा और यहाँ पर देखिए एड टू होम स्क्रीन लिखा है, इसको ही मुझे क्या करना है, क्लिक करना है, जो मैंने आपको अभी बताया है। अब मुझे क्या करना है, ये तो मैंने सब कर लिया है, तो अब मैं क्या करूँगा, बच्चे का एंट्री करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लॉग इन वाला ऑप्शन है ऊपर में, देखिएगा तो यहाँ पर आप ऊपर में देख सकते हैं, आपको इस प्रकार के तीन चीज दिख रहा है, होम, लॉगिन और रिपोर्ट। आपको ये लॉगिन को क्लिक करना होगा। जैसे ही लॉगिन को क्लिक करेंगे, आपको आईडी पासवर्ड डालना है और आपको ये बता दिया गया है कि आईडी पासवर्ड कौन सा डालना है। आपको यहाँ पर सीजी स्कूल वाला आईडी पासवर्ड ही डाल के लॉगिन करना है। तो आइए मैं यहाँ पर किसी भी आईडी डाल के पहले इसको क्या कर लेता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर एक स्कूल के आईडी से लॉगिन कर लिया है। अब आपको क्या करना है, ऊपर में आपको देखिए तीन लाइन दिखाई दे रहा है ना, इस तीन लाइन को आपको क्लिक करना है। जैसे तीन लाइन को आप क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल में इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला दिख रहा है होम का, दूसरा विद्यार्थी की जानकारी दर्ज करें, तीसरा विद्यार्थी की जानकारी अपडेट करें। जी हाँ दोस्तों, आपको इस ऑप्शन पर ही काम करना है, तीसरा ऑप्शन पर। पहले तो आपको विद्यार्थी की जानकारी दर्ज कर लेना है, और आपने दर्ज कर लिया है तभी आपको ये समस्या आ रहा है कि आपने किसी बच्चे का नाम अधिक बार एंट्री कर लिया है या फिर किसी बच्चे का नाम जो है गलत एंट्री हो गया है। तो जब आप गलत एंट्री कर डालें तो उसको आप एडिट के माध्यम से उसको क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, या फिर किसी का नाम डबल हो गया है तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, बच्चों का नाम एंट्री करना है तब तो आप पहले वाले कॉलम में जाते हैं, विद्यार्थी की जानकारी दर्ज करें, लेकिन आपको उसके नाम को अपडेट करना है या फिर किसी नाम को डिलीट करना है तो आपको क्या करना है, विद्यार्थी की जानकारी भरने वाले के कॉलम को क्लिक करना है, मतलब तीसरा कॉलम विद्यार्थी की जानकारी अपडेट करें, इसको हमें क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे इसको क्लिक करते हैं तो नीचे में आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा है, और इस पेज को आपको गायब करने के लिए ऊपर में कट का निशान दिख रहा है, देख लीजिएगा, उसको आपको क्लिक कीजिएगा तो ये गायब हो जाएगा। अब देखिए, चूंकि आपने अपडेट वाले ऑप्शन को क्लिक किया है तो इसमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। याद रखिए, पूरे बच्चों का नाम दिखाई नहीं देगा। तो पहले आपको जिस क्लास के बच्चे का नाम को क्या करना है, सुधार करना है, डिलीट करना है, जो भी करना है, उस क्लास को आपको चयन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको माध्यम चयन करना है, तो माध्यम हिंदी है तो हमने माध्यम चयन कर लिया। उसके बाद देखिए, आपको कक्षा चयन करना है, तो जिस कक्षे का बच्चे का नाम आपको सुधारना है, जैसे मैंने कक्षा चौथी चयन कर रहा हूं, मैं केवल यहां पर आपको डेमो के रूप में सिखा रहा हूं, मैं यहां पर डिलीट करके नहीं बताऊंगा। यहां पर देखिए आपको चयन कर लेना है, ये देखिए सेक्शन आप कर लेंगे चयन ए। उसके बाद यहां पर देखिए खोजे को क्लिक करेंगे। जैसे ही खोजे को क्लिक करेंगे ना, तो आपने जितने बच्चों पर काम किया है उनका नाम यहां पर आपको दिखाई देता है। ये देखिए इतने बच्चों का नाम जोड़ लिया गया है, कक्षा में 22 बच्चों का नाम जोड़ा गया है इस स्कूल के माध्यम से, है ना। तो यहां पर मैं आपको केवल वो बता रहा हूं कि आपको करना क्या है। देखिए आप इसको क्या करेंगे, ऐसे जब बगल सरकाएंगे ना, तो यहां पर देखिए एडिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, एडिट करें, ये छोटा सा देखिए मैं आपको सर्कल करके बता देता हूं, काले कलर में दिख रहा है और एक पेन का निशान दिख रहा है, देखिए इसको आप क्लिक करेंगे ना तो आप उस बच्चे के नाम में सुधार कर सकते हैं। मैं आपको क्लिक करके बताता हूं, ये देखिएगा, जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो ये देखिए जैसे हमने बच्चों का नाम एंट्री किया था वो वाला कॉलम खुल जाता है। यहाँ पर देखिए वो कॉलम खुल गया है, और हालांकि सभी कॉलम भरा हुआ है, तो जिस कॉलम को भी आपको सुधार करना है ना, जहाँ पर आपको सुधार करना होगा उसको आप क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर नाम पर ही क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए नाम को मैंने क्लिक किया तो वहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ गया है। अब इस नाम को मैं क्या कर सकता हूँ, सुधार सकता हूँ, हालांकि मुझे नहीं सुधारना है। तो आप सभी प्रकार के नाम को इस प्रकार क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, जो भी आपको सुधारना है, नाम वाम जो भी है या आधार कार्ड जो भी है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपको एक और ऑप्शन मिलेगा, सुरक्षित करें। याद रखिए आपको सुरक्षित कर लेना है, सुरक्षित करने से पहले ही आप अच्छे से चेक कर लेवें कि आपने नाम को सही तरीके से सुधार कर लिया है, तभी आप इसको क्या करिएगा, सुरक्षित कर लीजिएगा। चूंकि मुझे इसका नाम तो सुधार नहीं करना है, मैं तो आपको डेमो क्रू में बता रहा था, तो इस प्रकार मैंने बताया कि एडिट के ऑप्शन को क्लिक करके हम उसको सुधार सकते हैं। अब देखिए यदि किसी बच्चे का नाम क्या हो गया है, डबल हो गया है, तो डबल हो गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बगल में डिलीट करें रेड कलर में दिखाई दे रहा है, इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो उस बच्चे का नाम क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। याद रखिए डिलीट आप तभी करेंगे जब उस बच्चे का नाम उसी क्लास में दो बार दर्ज हो गया हो तो, ठीक है। लेकिन यदि किसी बच्चे का नाम अन्य क्लास में दर्ज हो गया है, उसको दूसरे क्लास में ले जाना है, तो वहां पर आप डिलीट नहीं करेंगे, वहां पर आप एडिट के ऑप्शन में जाएंगे और एडिट के ऑप्शन में जाके उसके क्लास को, देखिए क्लास को आप क्या कर दीजिएगा, चेंज कर दीजिएगा। यहां पर देखिए क्लास जो है चौथी है और माना जाए बच्चा जो है पांचवी का है, तो मुझे क्लास बस चेंज करना है, वहां पर डिलीट करने की आवश्यकता
नहीं होगी। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, बच्चों का जो सुधार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है और आप बिल्कुल इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, बच्चों के नाम को एंट्री कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस सूची को भी आप और अलग से सूची में देख सकते हैं लास्ट में। तो इस प्रकार आप बच्चों का एंट्री कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको आगे बैक जाके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं बैक चाहता हूँ होम स्क्रीन में। अब देखिए लास्ट में आपको क्या दिखाई देगा, विद्यार्थी सूची। यहाँ पर आपको पूरा सूची दिखाई देगा, इसको मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही हम सूची को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए ऊपर के कट के निशान को हमें गायब करना पड़ता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी आपको कक्षा चयन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर हिंदी तो है, भाषा तो वही रहेगा माध्यम। उसके बाद कक्षा चयन कर लेते हैं, कोई भी कक्षा चयन कर लेते हैं, जैसे कक्षा चौथी कर लेते हैं और इसमें हमसे सेक्शन कर लेते हैं ए। तो ये हो गया हमारा सेक्शन। अब इसको हम क्या करेंगे, सेक्शन के बाद उसके खोजे को सर्च क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए उसका पूरा सूची दिखाई देता है, कक्षा चौथी के बच्चों का यहाँ पर सूची दिखाई देगा। ध्यान दीजिए इस सूची में आप बच्चों का नाम को एंट्री नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ से आप उस बच्चों का सूची निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए एक्सपोर्ट टू एक्सेल लिखा है या फिर प्रिंट लिखा है। तो यहाँ पर आप प्रिंट को क्लिक करेंगे ना, प्रिंट को जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इन बच्चों के नाम को क्या कर सकते हैं, पीडीएफ के रूप में सुरक्षित कर सकते हैं और या तो फिर इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। देखिए पीडीएफ कैसे बनाएंगे, ऊपर में देखिए पीडीएफ लिखा है, यहाँ पर देखिए थोड़े से हल्के हरे कलर में लिखा है पीडीएफ। जैसे ही पीडीएफ को आप क्लिक करेंगे ना तो ये आपके मोबाइल में एक पीडीएफ के रूप में, देखिए पीडीएफ के रूप में क्या हो रहा है, सुरक्षित हो रहा है। इसको आप क्या कर दीजिएगा, सेव कर दीजिएगा, तो ये आपके मोबाइल में एक पीडीएफ के रूप में सुरक्षित हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप सूची को पीडीएफ के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं, जो बहुत ही आवश्यक है। फिर उस पीडीएफ का आप चाहे तो प्रिंट निकाल के अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत ही उपयोगी लगा होगा और इस वीडियो को निश्चित रूप से आप अधिक से अधिक अपने शिक्षक साथियों को शेयर जरूर करेंगे, ताकि आपके अन्य शिक्षक साथी भी इसी प्रकार के अगर समस्या से जूझ रहे हैं, मान लीजिए उसको भी कोई परेशानी हो रही है या कोई समस्या है, तो वो भी इस समस्या का समाधान बहुत ही आसानी से कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।